आज ही कमिश्नर साहब पहुंच गए बिग बॉस के घर में। आप खाली करवाते 100 दिन के लिए थे भाड़े पे, बुआ का घर समझ के बैठे हुए हैं। हाँ मैं करवाता हूँ खाली। पहले तो अंदर नहीं आने दे रहे थे सिक्योरिटी वाले। हाँ एक तो बंदे की पर्सनैलिटी शाहरुख खान जैसी हो, कोई कहीं पे भी रोक लेता है। हाँ मैं देख लेता हूँ सर, खाली करवा के आऊंगा घर जी। बिग बॉस तो है नहीं इधर, ठीक है मैं करवा लेता हूँ। बिग बॉस, बिग बॉस किधर है? बिग बॉस यार ये नजर क्यों नहीं आता? बिग बॉस है कि दीपक तिजोरी? खैर बिग बॉस ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं। अच्छा हमारा घर हम ही से पूछ रहे हो? अरे हमने 100 दिन के लिए भाड़े पे दिया था और पीछे छुप छुप के बातें क्यों कर रहे हो? बिग बॉस चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतजार करें। कर लेते हैं कोई बात नहीं, कुछ वक्त बाद ही घर खाली करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिग बॉस स्क्रिप्ट देख के पढ़ता फिर भी कितना टाइम लेते, इतने पॉज क्यों लेते हो? ओह सब इधर बैठे हुए महानुभाव। अरे यार भाई साहब आपका बड़ा फैन हूं यार मैं, ये भाई साहब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं आप, एम आई राइट? मैं बड़ा फैन हूं इस बंदे के लिए, जोरदार तालियां। इतना इतना शरीफ आदमी है, किसी को कभी कुछ नहीं बोला, बोलेगा भी क्यों जिसका मुंह ही आस्था चैनल जैसा है। शरीफ आदमी, मैंने बड़ी फिल्में देखी आपकी सिद्धू भाजी, बंदा बहुत शरीफ है। इतना शरीफ मैं क्या बताऊं आपको, जिस दिन शादी हुई इनकी अपनी बीवी के स्वागत वाले दिन पूछ रहा है, कहता आपके घर वालों को पता है कि आज रात आप मेरे साथ रुक रही हैं? कमाल कर दी है। सपना जी आपको भी प्रणाम, आप बड़ी मशहूर है, आपको पता है दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आपके, और आप इतने इतने सेलिब्रिटियों के बाल काटती हैं, शुक्ला जी कैसे छूट गए आपसे? इसके दो ही रीजन है, या तो ये इंटरेस्टेड नहीं आपसे बाल कटवाने में, या आप इनको सेलिब्रिटी नहीं समझती। खैर बड़ा असीम, हाउ आर यू? इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये फिनाले में आए कटिंग करवाने हैं, सपना जी की इनके साथ बड़ी बनती है, अच्छी तरह से ट्रिमिंग करवा के जाना, खुद का बेचारे का इतना भार नहीं जितना बालों का और दाढ़ी का है। राजीव पॉल मेरा भाई, बड़े पुराने एक्टर हैं राजीव पॉल, मुझे आज भी याद है बहुत साल पहले एक सीरियल आता था शांति, उसमें ये मंदिरा बेदी बनते थे। आपको पता आपको बैंकॉक वाले ढूंढ रहे हैं, कहते जो बंदा फ्री में इतनी मसाज दे रहा है लोगों को, बैंकॉक आए तो 500 रुपए कहीं नहीं गए घंटे का। ये आपको पता बड़ी प्यारी स्माइल है दोनों, राजीव की स्माइल बड़ी प्यारी है, डिंपल जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये बाद में डाले गए हैं। एक दिन दिलनाज को गुस्सा आया, उसने यहां से पकड़ के उठा लिया। ये चीजें ये बाद में होती थी, जब कैमरा बंद हो जाता था तब होती थी ये चीजें, यूं से पकड़ के उठाया गया कैमरे के सामने बड़ा तंग करता है अब बोल, तो वो डिंपल पक्के हो गए एडजस्ट, क्योंकि माशाल्लाह दिलनाज मेरी बहन है, बड़ा प्यार है मेरा, खाते पीते घर की है, ये तो भैंस की उंगली में डाल के नाक में भैंस पलटा दे, तो ये खड्डे वड्डे तो चीज ही कुछ नहीं है। निकेतन साहब आप मॉडल हैं मुझे पता है, मैंने वैसे आपका कोई शो नहीं देखा लेकिन एक्सप्रेशन से पता चलता है। जोरदार तालियां सारे कंटेस्टेंट्स के लिए। अरे यार बातों बातों में भूल गया, मैं तो घर खाली करवाने आया था, मेरी सुन नहीं रहा कोई। सलमान भाई पता नहीं किधर चले गए, इधर इधर है। सलमान भाई मेरे को पहचाना आपने? अरे मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। थैंक यू। अरे मैं फर्स्ट डे आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। आपको पता है जब तेरे नाम आई मैं फर्स्ट शो में आगे बैठा हुआ था, मैं जब आपको गुंडे पीट रहे थे मैंने बोला भी सलमान भाई भागो गुंडे, आपने सुना ही नहीं, मेरी सुनी होती तो आज भूमिका चावला आपकी होती। आइंदा नजर रखूंगा। आप ध्यान रखा करो ना फैंस का, फैंस इतना ध्यान रखते हैं आपका। भाई मैं पड़ेगा घर खाली करवा रहे हूँ, घर नहीं खाली कर रहे। कौन घर नहीं खाली कर रहा? ये सारे लोग 100 दिन के लिए किराया लिया था, सारे निकल गए, 2-3 बच गए, ऊपर से साथ में सिद्धू साहब की सिक्योरिटी भी मेरे को करनी होती है। सिद्धू साहब की सिक्योरिटी क्यों करनी पड़ती? सिद्धू साहब को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? सिद्धू साहब को नहीं जरूरत है, वो जो आसपास इनको मिलने आते हैं उनको जरूरत होती है। इनका कोई पता नहीं ना कब किसको पकड़ के कविता सुना दे कब, और ऊपर से जिसकी कविता वो आ जाए तो उसको भी बचाना पड़ेगा फिर। पर ये सिद्धू साहब मैं आपका बड़ा फैन हूँ, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ के एमपी भी हैं, इतने प्यारे इंसान है। सलमान भाई आपको पता है जब इनको साइन करने गए ना, इनको बताया गया कि देखिए सिद्धू साहब आपको 100 दिन घर में रहना है कंटेस्टेंट के साथ, तो सलमान जी होस्ट करेंगे शो। कहते नहीं यार सलमान इतना बड़ा स्टार है वो होस्ट करेगा, मैं अच्छा थोड़ी लगता हूँ शो जज करता हुआ, आदत पड़ी नहीं जज करने की। हमने मना किया नहीं भाई आपको जज नहीं करना है, कॉमेडी शो नहीं है, 100 दिन आपको कंटेस्टेंट के साथ घर पे रहना है। तो कहते जब घर पे रहना तो अमृतसर ले आओ सबको, मतलब कहते लोनावला तो सबने देखा हुआ है, मेरे घर पे आएंगे
तो किसी की जरूरत नहीं मुझे बाहर निकालने की, बिग बॉस यहाँ पे निकाल देते हैं। सलमान भाई ये घर नहीं खाली कर रहे, ये बंदे गए कहाँ, तीन बंदे रह गए, उनको बुलाओ। जाना है देखना है तो फिर मी टीवी के थ्रू देखना पड़ेगा। हाँ भाई बंदे ना किराया दे रहे बाहर आ रहे। अरे वाह, हमने आपकी आवाज पहचान ली सुदेश भाई। कपिल कपिल सॉरी सॉरी सुदेश। सलमान भाई मेरे को गोली मार दे आप, खुद ही मार लो आपको। क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, इन्होंने मुझे, मैंने बोला इनको, इनकी आवाज में पहचान सकता हूँ, मैं आपको जगह इमाम की जगह हमाम बोल दूं तो? वो तो सब लोग बोलते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं होगी। इमाम भाई जी सर, बड़ी दुनिया पसंद कर रही है आपको। आई लव यू, आई लव यू टू, एंड आई थिंक यू पहले बोलना। अरे भाई आप, आई लव यू, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू भाई। एक बात बताइए, आपको ये फोबिया क्यों बाथरूम का, कि बाथरूम साफ होना चाहिए? आप इतने क्या है? एक मिनट, कोई फोबिया नहीं है सर, मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ कि जहाँ सफाई रहती है वहाँ बरकत रहती है। बाथरूम में अंदर जाके आपने कौन सा कढ़ाई पनीर बनाना है? टाइम आउट भाई, एक मेरे को बात बताओ, टाइम आउट ज्यादातर मैंने बचपन में ऐसे सुना है, ये कौन सा टाइम आउट? ये मेरा तरीका है सर, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक दिन नहीं, मेरे को बहुत पसंद आया, और उस दिन मेरे को बड़ा पसंद आया जिस दिन सलमान भाई के बोलते सलमान भाई टाइम आउट, बोल देखो किनके रहे हैं, सबको पता है इनका टाइम कभी आउट नहीं हो सकता। फिल्में दो ही बंदों के भरोसे चलती है, कि भगवान भरोसे, दूसरी सलमान भरोसे। वेरी ट्रू, एक बात बताओ ऋषि, आपने सीरियलों में वैम्प का रोल बड़ा किया है, हाँ? आज कैसा लग रहा है, आपको भी वैम्प मिली, एक मेल वर्जन? एक मेल वर्जन वैम्प? वैम्प से कहीं बढ़कर है भाई। कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं है इनके सामने, कुछ भी नहीं। उर्वशी बोलिए, अगर आपके बच्चे बड़े बड़े नहीं ना होते तो मैं आपको प्रपोज जरूर करता। आए हाय कपिल, अभी भी कर दे, कोई बात नहीं, चलो मेरे को गोद लो लो एज ए मम्मी सही। खैर मैं सलमान भाई, ये बातों बातों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको बोलो हमारा घर खाली कर दे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं चेक करूंगा आके, ठीक है? अच्छी बात, आजा आजा। और बाथरूम से वो सब जो आप कपड़े रहते ना सामान वान, वो सब उठा लेना आप। जी जी बिल्कुल। थैंक यू इमाम भाई, लव यू, लव यू टू, थैंक यू सलमान भाई, अल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थ्री चेयर्स फॉर कपिल। लीजा हेडन, लीजा कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर ये लंबा होता है जो उठाना ही पड़ता तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? So why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कतल माफ है आपको। Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है, इतनी खुली चीजें मिले ना उनको नहीं बर्दाश्त होता। आप नहीं समझती हमारी प्रॉब्लम। Okay. Shall I give the award away? Yes, please. Okay. And the award for best actress in a drama series goes to Deepika Singh for Diya aur Baaki Hum. थैंक यू। मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी। पर आप कहाँ भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से। कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें, जानबूझ के बीच में से निकलती हैं। वेरी अक्षय सर, इज इट फाइन? बैठिए, हमें पता है, कोई बात नहीं। टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के। टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं, लड़के तो कई कई बार दो दो हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं, बीच में एक आध लफ्ज आता है बाबूजी। अच्छा बाबूजी भी ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो। So, to present this award for best actor in a drama serial, मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा, because my favorite Lisa is already there. Best actor in a drama series goes to... Where goes? Mohit Raina for Devo K. Wow! Devang Mahadev.